दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी के विरोधी राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी में कैसे बन गए सरकार के संकट मोचक। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीते 10 महीनों से विरोध के सुर उठा रहे किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। सोमवार को ही उन्होंने यूपी सरकार की टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उन्होंने समझौते का श्रेय यूपी सरकार की तरफ से भेजी गई उच्च स्तरीय टीम को दिया था। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत राजधानी दिल्ली की गाजीपुर सीमा के बड़े हिस्से को रोके हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनावी राज्यों में पहुंचकर बीजेपी के विरोध में प्रचार भी किया था। हालांकि इस कांड में उनकी भूमिका से कई लोग बेहद हैरान हैं। मंगलवार को राकेश टिकैत और सरकार के बीच समझौता तब टूटने की कगार पर पहुंच गया जब मृतकों के परिवारों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वो राकेश टिकैती हैं जिन्होंने परिवारों से मिलकर और मुलाकात करने और उन्हें मनाने का जिम्मा उठाया। राकेश टिकैत के दखल के बाद किसान गुरविंदर सिंह को छोड़कर मंगलवार को ही अन्य तीनों किसानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिंह के परिवार ने आशंका जताई है कि किसान को गोली मारी गई थी, इसके चलते अब दूसरी बार उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी कांड के संकट मोचक बनकर उभरे हैं। और ये बड़ी खबर, नरम पड़ी योगी सरकार, प्रियंका गांधी को किया गया रिहा, राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जाने की मिली इजाजत। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। यही नहीं, प्रियंका गांधी को सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी जेल से रिहा भी कर दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने देने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अफसरों की हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने की तैयारी थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांग्रेस के आपत्ति जताने के बाद राहुल गांधी और अन्य नेताओं को लखनऊ की फ्लाइट लेने दिया गया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को सीतापुर गेस्ट हाउस में बनी अस्थाई जेल से रिहा कर दिया गया है। वो राहुल गांधी के साथ अब लखीमपुर खीरी जाएंगी। राहुल गांधी 5 लोगों के साथ लखीमपुर में 2 पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। वो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अफसरों की हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी को अब लखीमपुर जाने की पूरे तरीके से इजाजत मिल गई है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत का पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला, कहा किसानों की हत्या हो गई, लेकिन अभी तक पीएम मोदी ने कोई भी बयान नहीं दिया। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और किसानों की मौत को लेकर शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि किसानों को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को किसानों से प्यार है तो वो उनसे बात करें। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा में किसानों पर हमला किया गया, उसके बाद लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई। अगर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से प्यार करते हैं तो उनसे बात करें। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उनसे पूरी दुनिया को दुख हुआ है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी जवाब नहीं दिया। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग, बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत कैबिनेट से किया जाए बर्खास्त। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस घटना पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि सिस्टम आखिर आरोपियों को क्यों बचा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग भी की है कि वो पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात करें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखीमपुर खीरी घटना पर कहा कि सब कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम हत्यारों को बचा रहा है, हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या मजबूरी है, सरेआम कोई इतने लोगों को रौंद जाए और सब उन्हें बचाने में लग जाए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज पूरा देश देख रहा है, एक गाड़ी आई और लोगों को रौंद कर चली गई, आखिर सिस्टम क्या कर रहा है, किसको बचाया जा रहा है। एक तरफ आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि आज देश जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। एक साल से किसान बैठे हैं, 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि गाड़ी में मंत्री का बेटा ही था ही नहीं, अब 6 महीने बाद कहेंगे कि वहां गाड़ी ही नहीं थी, फिर कहेंगे
कहेंगे कि किसान ही नहीं थे। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब इस मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ही बड़ी खबर, लखीमपुर बवाल को लेकर मीडिया पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले आप जिम्मेदारी से भाग रहे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आवाज उठा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने, विपक्ष का यही काम है और इसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। यही नहीं, इस दौरान मीडिया की ओर से राजनीति करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक गलत सवाल है। मीडिया पर ही जमकर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मुद्दे को उठाएं, लेकिन आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो आपका काम है और इस जिम्मेदारी को आप लोग उठाते नहीं हैं, उल्टे आप लोग हमसे ही सवाल पूछते हैं कि राजनीति हो रही है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, ये केवल 5 लोगों को रोकती है, हम 3 लोग जा रहे हैं। विपक्ष का काम दबाव बनाने का है ताकि कड़ी कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। अगली बड़ी खबर, गुजरात के गांधी नगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत, 44 में से जीती 41 सीटें। जी आपको बता दें कि गुजरात में गांधी नगर नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 41 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की है। चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था, हालांकि अब एक दूसरे पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसकी हार के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा विरोधी मतों का विभाजन कर खेल बिगाड़ दिया, जिससे अंततः बीजेपी को फायदा हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार जीएमसी की कुल 44 सीटों में से भाजपा ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वर्ष 2011 में गांधी नगर निगम के गठन के बाद से भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी कांड से लिया सबक, किसानों को केंद्र में रखकर ऐसे चुनावी रणनीति बनाएगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के बाद सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा बढ़ा है। सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है, पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस घटना को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गया है। इस घटना के बाद यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जिस तरीके से किसानों ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है, उससे साफ है कि भाजपा की राह आसान नहीं है। वर्ष 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला था, इसलिए विपक्ष को उम्मीद दिख रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में किसान आंदोलन का बहुत असर नहीं है, पर मैदान और तराई वाले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में किसान मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। इन जिलों में विधानसभा की करीब 25 सीट है। पिछले चुनाव में इन सीट पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी में लखीमपुर खीरी और आसपास के 7 जिलों में विधानसभा की करीब 50 सीटें हैं। वर्ष 2017 में इसमें से 45 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बार तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इस घटना में मारे गए सभी किसान सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में पहले ही किसानों में नाराजगी है। लखीमपुर की घटना ने तराई क्षेत्र के लोगों को, खासकर सिख समुदाय का गुस्सा बढ़ा है। पंजाब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन पहले ही बड़ा मुद्दा था, पर लखीमपुर की घटना ने इसे और भड़का दिया। कांग्रेस किसानों की इस नाराजगी को चुनावी फायदे में बदलना चाहती है, इसलिए पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी में भी किसान पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, कहा मोहन भागवत के निर्देश पर देश को आर्थिक गुलामी में धकेल रही मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निर्देशों पर देश को आर्थिक गुलामी में धकेल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि पिछले 18 महीनों में 14 करोड़ नौकरियों के नुकसान के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार पर छोटे व्यापारियों के कारोबार को खत्म करने का भी आरोप लगाते हुए अमेजन रिश्वत घोटाले की जांच की मांग की है। प्रकाश ने संघ के मुख्यालय नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सवाल किया, हम समझ सकते हैं कि महामारी बेरोजगारी का कारण बनी, लेकिन नोटबंदी के कारण जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जीएसटी लागू होने के कारण छोटे व्यवसायों के सामने आने वाली समस्याओं के लिए कोई जिम्मेदार होगा? और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोहन भागवत के निर्देश पर मोदी सरकार देश को
को आर्थिक गुलामी में ले जा रही है। प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार के कारण पिछले 1.5 साल में 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। हम मोहन भागवत से इसके बारे में पूछना चाहते हैं क्योंकि एक स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री है। मोहन प्रकाश ने कहा कि छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय, MSME सभी मुश्किल में हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने इन सब के लिए RSS प्रमुख मोहन भागवत को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी 2 TMC विधायकों के साथ 7 अक्टूबर को लेंगे शपथ। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनाव में भवानीपुर सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 अक्टूबर को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। ममता बनर्जी के साथ 2 अन्य तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी शपथ ग्रहण करेंगे। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक अधिसूचना जारी कर ये घोषणा कर दी। ममता बनर्जी और अन्य 2 विधायकों को संविधान की धारा 188 के तहत 7 अक्टूबर को शपथ दिलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रोड एक्सीडेंट में घायल को पहुंचाए हॉस्पिटल, मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। यह आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की जान बचाने के लिए एक बड़ी पहल की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट में पीड़ित को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी कि किसी को भी हॉस्पिटल पहुंचाने पर 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।